हे एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस। तो आज हम देखेंगे आपका जो परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट है उसके लिए जो जो बच्चे म्यूज़िक के लिए ऑडिशन देना चाहते हैं तो उनका एडमिट कार्ड आ चुका है। एंड आप सभी को पता है कि परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है SOSC की तरफ से। तो जिन बच्चों के जितने भी मार्क्स आए हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और किस किस का सिलेक्शन हो गया है फर्स्ट राउंड में एंड वो सेकंड राउंड के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहा है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। तो जो पिंकी है हमारे साथ, उन्होंने हमें एक कमेंट जो है वो शेयर की है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो म्यूज़िक वाले स्टूडेंट्स हैं जो जिनको ऑडिशन देना है म्यूज़िक के लिए उनके लिए उनका एडमिट कार्ड आ गया है एंड SOSC की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे, जिनको आप सभी को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को क्या लेकर जाना है, कैंडिडेट शैल कैरी प्रिंट आउट ऑफ द एडमिट कार्ड टू द सेंटर। जो एडमिट कार्ड है आपका वो सभी आप सभी को जो एडमिट कार्ड है अपना वो लेकर जाना है, यानी कि उसका प्रिंट आउट लेकर जाना है अपने एडमिट कार्ड का, वो भी सेंटर पर। और ये ले जाना ज़रूरी है, इसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ये तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सेकंड, इन्होंने कहा है कि कैंडिडेट शैल कैरी हिज और हर वैलिड फोटो ID प्रूफ लाइक आधार कार्ड एंड अ फोटो कॉपी ऑफ द सेम। अब इन्होंने कहा है कि आप अपना एक क्या लेकर जाएंगे, वैलिड फ़ोटो जो प्रूफ होगा आपका, फ़ोटो ID प्रूफ होगा वो लेकर जाना है, जस्ट लाइक आधार कार्ड एंड जो भी चीज़ आप अपने वैलिड फ़ोटो प्रूफ लेकर जा रहे हैं सेंटर पर सेम उसी की फ़ोटो कॉपी भी लेकर जानी है। मीन्स अगर आप आधार कार्ड लेकर जा रहे हैं अपना ओरिजिनल तो साथ में उसकी एक दो फ़ोटो कॉपी भी आपको लेकर जानी है। फिर थर्ड, इन्होंने कहा है कैंडिडेट्स विल बी आस्क्ड टू द प्रेजेंट अ 2 मिनट मैक्सिमम लॉन्ग म्यूज़िक परफॉर्मेंस। अब इन्होंने हमें यहाँ पर बताया कि जो भी कैंडिडेट्स अपना म्यूज़िक के लिए ऑडिशन देने जा रहे हैं उनको मैक्सिमम 2 मिनट्स के लिए परफॉर्मेंस जो है वो देनी है। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 2 मिनट तक ही होनी चाहिए, ऐसा भी ना हो कि आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी शॉर्ट है, ठीक है। तो इसमें सिंगिंग के लिए बेसिकली आप इसमें गाना गा सकते हैं, यानी कि सिंगिंग कर सकते हैं और एक इंस्ट्रूमेंट से भी आप अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। जैसे कि किसी किसी को गाना नहीं आता, किसी को बजाना आता है, फॉर एग्जांपल गिटार बजाना आता है, हारमोनियम बजाना आता है, तो किसी को गाना आता है सिर्फ, ऐसा होता है, तो वो आप अपना अलग अलग दे सकते हैं, ठीक है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, जो आपको अच्छे से आता है। नेक्स्ट, फिर इन्होंने कहा कि अ कीबोर्ड एंड गिटार विल बी अवेलेबल इन द सेंटर, हाउएवर इफ़ कैंडिडेट वांट्स टू ए दी मे ऑल्सो कैरी। अब इन्होंने यहाँ पे कहा है कि अगर जो आपका गिटार और जो आपका कीबोर्ड होता है वो वहाँ पर आपको अवेलेबल होगा, बट अगर आप अपना खुद से लेकर जाना चाहें तो भी आप लेकर जा सकती हैं, लेकिन SOSC के सेंटर पर आपको अवेलेबल होगा गिटार एंड कीबोर्ड, ठीक है, जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है वो। फिर साथ में ही इन्होंने बताया देयर इंस्ट्रूमेंट अलोंग बी दे मे ऑल्सो ब्रिंग अ वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन फोन टैबलेट लैपटॉप। इन्होंने कहा है कि अगर आपने कभी भी ऐसी कोई वीडियो बनाई है या फिर कुछ रिकॉर्ड किया है अपनी म्यूज़िक का, अपनी आवाज़ का, जैसे कि हम गाना गाते हैं तो हम रिकॉर्ड करते हैं ना, सेम वही अगर आपने ऐसा कुछ रिकॉर्ड कर रखा है तो आप उसे भी वहाँ पर लेकर जा सकते हैं, लेकिन वो फ़ोन में, लैपटॉप में या फिर टैबलेट में होना चाहिए, ठीक है। फिर इन्होंने कहा है ऑफ एनी पास्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट कहा है कि कैंडिडेट शुड बी प्रेजेंट एट द टेस्ट सेंटर एज पर गिवन रिपोर्टिंग टाइम। जो आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है आपके एडमिट कार्ड में, उसी रिपोर्टिंग टाइम पर आपको वहाँ पर जाना है, रिपोर्ट करना है वहाँ पर जाकर आपको, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने कहा है पैनल एंड सीक्वेंस फॉर द ऑडिशन, और जिस तरीके से आपका जो ऑडिशन होगा उसका सीक्वेंस आपको वहाँ पे जाके पता चलेगा विल बी गिवन एट द सेंटर। एंड देन फिर इन्होंने कहा है सिक्स वाला कि कैंडिडेट मस्ट कैरी देयर ओन लंच एंड वाटर कैन बी ईटन एज दे गेट देयर टर्न फॉर ऑडिशन। अब हमें यहाँ पे बोला गया है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना लंच एंड अपना वाटर बॉटल लेकर जाएंगे, उनको टाइम कहाँ मिलेगा, जब आपका जो ऑडिशन का नंबर आने वाला है उससे पहले आपको टाइम दे दिया जाएगा कि आप खाना खा सकते हैं, या फिर उसके बाद आपको टाइम दे दिया जाएगा कि इस टाइम पर आप लंच कर सकते हैं, ठीक है। तो लंच अपना अच्छे से लेकर जाना, वाटर बॉटल लेकर जाना। और कुछ बच्चों की क्वेरीज होती है कि क्या हम अपना फ़ोन लेकर जा सकते हैं या फिर नहीं, तो सिंपली यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है कि आपके पास अगर आपकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है या फिर ऐसे आपने कुछ रिकॉर्ड कर रखा है ओनली वॉइस का, वो चीज़ आप अपने फ़ोन में, लैपटॉप में और टैबलेट में लेकर जा सकती हैं। तो ऑफकोर्स आप अपना फ़ोन वगैरह लेकर जा सकते हैं अंदर, ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडली थिंग क्या होती है कि बच्चे ये सोचते हैं
कि उनका जो सॉन्ग है वो किस तरीके से वो प्रिपेयर करें। तो देखो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहती हूँ कि आप किस तरह का सॉन्ग जो है वो प्रिपेयर करेंगे, और अगर आप कोई ट्यूनिंग वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट से तो वो तो आपको ही अच्छे से पता होगा कि किस तरीके से करनी है, ठीक है। तो किस तरीके का सॉन्ग होना चाहिए और कितने देर का होना चाहिए, ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से क्लियर कराऊंगी मैं आपको। और साथ ही साथ बता दूं कि ड्रेस कोड क्या होगा वो भी नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, तो उसके लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साइड में जो बेल आइकन उसे कर दो प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे एंड आपको उस नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी जल्द से जल्द मिल जाए, ठीक है। तो जिस भी तारीख को आपका एग्ज़ाम है उस दिन आपको अच्छे से अपने इस ऑडिशन को देना है, एंड आपको यहाँ से पता चल गया कि आपका ऑडिशन बहुत ही सिंपल होने वाला है, ज़्यादा कुछ इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट सभी को सभी के ऑडिशन के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अच्छे तरीके से इसको समझ लें, एंड अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में जो बेल आइकन उसे कर दीजिए प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहे। और फटाफट से जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड हमारी इंस्टाग्राम आईडी है योनिक क्लासेस के नाम से, तो वहाँ पे अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो वो आप मेरे को वहाँ पे पूछ सकते हैं जो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।